काबिल तकरीम तौकीर बुजुर्गान मोहतरम बताया अज़ीज मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ अज़ा से मुरक्कब किया है और ये अज़ाए जिस्म जितने भी हैं ये एक दूसरे के मुगायर मुखालिफ हैं, एक दूसरे की जिद है। आँख देखती है सुनती नहीं, कान सुनता है देखता नहीं, जबान सुनती है जबान चखती है बोलती है जबान सुनती नहीं, हाथ छूते हैं लम्स महसूस करते हैं हाथ बोलते नहीं, पाँव सुनते नहीं, एक दूसरे की जिद हैं सारे अज़ा। इन तमाम अज़दाद को मेरे अल्लाह ने जमा करके इंसान बना दिया। और इंसान कैसा कि जब इसको सर पे चोट आती है तो पाँव बहुत दूर है, वो ये नहीं कहता कि मुझ तक चोट आते हुए बड़ा वक्त लगेगा, बल्कि पाँव सर को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अगर पाँव में कांटा चुभता है तो एकदम आँख से पानी बरसने लगता है, आँख रोने लगती है, पेट में जिस्म में कहीं कोई टीस कोई दर्द उठता है तो ज़बान ताबीर शुरू कर देती है, मुझे इस तरह तकलीफ़ है मुझे इस तरह तकलीफ़ है। कभी आपने गौर किया कि ये अज़दाद का मजमुआ ये एक दूसरे की तकलीफ़ का तर्जुमान कैसे बनता है? तो जब आप गौर करेंगे तो नज़र आएगा कि इसके पीछे एक रूह है। जब तक रूह जिस्म में है तो ये एक दूसरे की ज़िद होने के बावजूद एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हाथ सर का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चोट सर पे आती है हाथ आगे आ जाता है, ज़बान जिस्म की तर्जमान बन जाती है। अज़दाद का मजमुआ होने के बावजूद जब तक इसमें रूह है तो ये एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इस तरह इंसान दुनिया में बाकी रहता है। जब ये रूह निकल जाती है, बिल्कुल जिस्म यही है, आंखें भी हैं कान भी हैं ज़बान भी है सब कुछ है, कानों को कीड़े खा रहे हैं हाथ नहीं रोक रहा, आंखों को कीड़े खा रहे हैं हाथ नहीं रोक रहा, जबान कोई ताबीर नहीं कर रही, हड्डियां टूट रही हैं कोई नहीं बोल रहा, क्यों? रूह निकल गई। बात समझ में आई है कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर इसी तरह अल्लाह ने इंसानी मुआशरा और इंसानी सोसाइटी भी बनाई है। जो इंसानी इस्लामी मुआशरा इंसानी इस्लामी सोसाइटी है उसकी भी एक रूह है। जब तक वो रूह बाकी रहेगी तो ये एक दूसरे के गमखार रहेंगे, एक दूसरे के मददगार रहेंगे, एक दूसरे के तर्जमान रहेंगे, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद रहेंगे। जब इससे वो रूह निकाल दी जाएगी तो ये मुर्दा जिस्म की तरह हो जाएंगे। अब इंसानी रूह पूछा गया, इंसानी रूह क्या है? फरमाया अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है, अल्लाह अल्लाह का ऑर्डर है, हुक्म है। इसको अगर आप समझना चाहें ऑर्डर क्या होता है तो आप पढ़े लिखे लोग हो, एक नोटिफिकेशन होता है कि ये बंदा मुल्क का वजीर आजम है, कहीं कोई चिट पीछे लगी होती है वजीर आजम के साथ, कहीं कोई उसके साथ कोई मजीद कोई ज्यादा चीज ऐड की जाती है, वही होता है। अब एक नोटिफिकेशन आया एक ऑर्डर आया अथॉरिटीज की तरफ से कि ये मुल्क का वजीर आजम है, अब जिसका चाहता है ऑर्डर करता है तबादला करता है आगे करता है पीछे करता है उसका हुक्म चलता है बात मानी जाती है, अचानक उसका ऑर्डर वापस ले लिया जाता है। कलम वही है
उसी कुर्सी पे बैठा हुआ क्यों नहीं? ऑर्डर वापस हो गया, अब वो पहले दो हर्फ लिखता था, अब पूरी किताब लिखे कोई मानने के लिए तैयार नहीं, ऑर्डर विड्रॉ हो गया। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब अल्लाह इस ऑर्डर को विड्रॉ कर देते हैं जो रूह है, तो फिर जिस्म को कोई होश नहीं रहता कि कान किधर है, हाथ किधर है, पांव किधर है। इसी तरह अल्लाह ने इस्लामी सोसाइटी और मुआशरे के लिए भी एक रूह बनाई है, और इस्लामी सोसाइटी और मुआशरे की रूह ईमान है। रूह ईमान है, इस्लामी सोसाइटी और मुआशरे की रूह हुब्बे मुस्तफा है, इस्लामी सोसाइटी की रूह कुरान करीम है। आज आलमी कुफ्र इस रूह को हमसे निकालने की मेहनत में लगा हुआ है, और हम हैं कि बेखबरी में इसे कोई बड़ी चीज समझ ही नहीं रहे। वो इस रूह को कैसे निकाल रहा है? ईमानदारों का, दीनदारों का मजाक उड़ाकर, उस तमस्खर और उस मजाक में हम भी शामिल। कुरान करीम की बेहुर्मती करके, इब्तदा में एक वक्त वो था कि किसी जगह मुसलमान सुनता था कि कुरान की बेहुर्मती हो गई, बाजार बंद हो जाते, दुकानें बंद हो जाती, कारोबार मुअत्तल हो जाते, कुरान की बेहुर्मती हुई। आज हर तीसरे दिन वाकयात नजर आएंगे हमारे कानों पे जो भी नहीं। और फिर इसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मवद्दत मुसलमानों को, इस्लामी सोसाइटी और इस्लामी मुआशरे को बचाने की आखिरी किरण वो हुब्बे मुस्तफा है। सब कह दें सल्लल्लाहु, बावाज़े बुलंद कह दें सल्लल्लाहु।